शिक्षाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिए बापत जलपाइगढी जिल्लाको नगरकटा ब्लक स्थित घाँसमारी स्टेट प्लान प्राथमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक सुबोजित दत्त शिक्षा रत्न पुरस्कारद्वारा यसपालि सम्मानित हुने भएका छन्। स्कूल शिक्षा विभागले उनलाई उक्त सम्मान 5 सेप्टेम्बर शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने बताइएको छ। जिल्ला विद्यालय निरीक्षक प्राथमिक श्यामल चन्द्र राईले प्रधान अध्यापक सुबोजित दत्तले शिक्षाको क्षेत्रमा भविष्यमा पनि लगातार सेवा पुर्याइरहने आफूलाई विश्वास रहेको बताएका छन्। म घाँसमारी एसपी प्राथमिक विद्यालयको सहसहायक शिक्षक। अस्ति बिहिबार हामीले बिहान खबर पाएँ कि हाम्रो स्कुलको प्रधान शिक्षक श्री सुबोजित दत्त महाशयलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा शिक्षा रत्न अवार्ड दिनु हुँदैछ। त्यहाँ सुनेर हामी घाँसमारी एसपी प्राथमिक विद्यालयको सबै शिक्षक शिक्षिकाहरू पुरा खुसी भए र हामीले एसेम्ब्लीमा नानीहरूलाई पनि भने, गाउँ मान्छेलाई पनि भने, सबले यो खबर पाएपछि अत्यन्तै खुसी भयो र हामी आफ्नो स्कुलको परिवारदेखि हाम्रो हेड सरलाई शुभेच्छा जनाएँ र हामी यो चाहन्छौँ कि हामी हाम्रो हेड सर यस्तै नै अगाडि बढ्दै जाओस् र हाम्रो शुभकामना हेड सरसँग छ। यसैबीच सुबोजित दत्तले कुनै पनि सम्मानले जिम्मेवारी अझै बढाइदिने बताउँदै आफूले यो सम्मान स्कुलका विद्यार्थी, सहकर्मी अनि गाउँलेहरूलाई समर्पित गर्ने मन्तव्य पोखे। सुबोजित दत्त, ये घाँसमारी स्टेट प्लान प्राइमरी स्कुल की प्रधान शिक्षक। तो मुझे इस बार एडुकेशन डिपार्टमेंट से शिक्षा रत्न अवार्ड 2024 इसके लिए मुझे निर्वाचित किया गया है। तो ये तो काफ़ी एक व्यक्तिगत आनंद, एक व्यक्तिगत खुशी का तो एक होता ही है, लेकिन इसके अलावा सबसे मेरे लिए जो सबसे बड़ा अनुभव है कि मैं जो सोचता हूँ कि ये कोई मेरा कोई पर्सनल रिकॉग्निशन नहीं है, ये एक्चुअली ये स्कूल बाकी जो मेरा सारा टीचर्स है, वो असिस्टेंट टीचर्स है, बच्चों है, गार्जियंस है, जो विलेजर्स है, इन सभी का एक कंबाइन एफर्ट है। ये सबको मिलकर ये एफर्ट है, तो ये अवार्ड इसीलिए हम इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि मेरा प्यारे बच्चों को, मेरा जो यहाँ का गार्जियंस है, मेरा जो टीचर्स है, सभी टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स है, जिनका अलावा कभी भी कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि ये शिक्षा प्रतिष्ठान स्कूल्स ये टीम वर्क है, कोई एक हेड टीचर अकेले कुछ कर नहीं पाएगा, सभी का मिलकर योगदान है। इसीलिए हम लोग काफ़ी खुश हैं, हम चाहता है हम लोग कोशिश करेंगे और फ्यूचर में अच्छा काम करने के लिए, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन योगदान रखने के लिए। अभी आगे क्या होता है, हम लोग तो कोशिश तो जारी रहेंगे, जैसा कुछ प्लानिंग्स है, हम लोग चाहता है सब मिलकर कि बच्चों लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास, एक स्मार्ट क्लास, ये प्लानिंग है, पता नहीं है कि ये कब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम लोग। तो अगर कोई मदद करना चाहता है तो उसको भी हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे। एडुकेशन डिपार्टमेंट का जो मुझे जो ये शिक्षा रखने के लिए नॉमिनेट किए, इसलिए मैं भी डिपार्टमेंट, मेरा हायर अथॉरिटी सबका ऊपर मैं मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधान अध्यापक दत्तलाई शिक्षा रत्न प्राप्त हुने खबरले विद्यालयमा खुसीको परिवेश छाएको छ। घाँसमारी स्टेट प्लान प्राथमिक विद्यालय चिया कमान अनि वनबस्तीले घेरिएको एउटा स्कुल हो। यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्रा धेरै जसो विपन्न परिवारका छन्। नानीहरूलाई यहाँ पढाइ सँगसँगै अन्य विभिन्न गतिविधिहरू गराइन्छ। उल्लेखनीय छ, 240 जना विद्यार्थी र 9 जना शिक्षकहरू रहेको यस विद्यालय प्रधान अध्यापकको नेतृत्वमा यसअघि 2015 निर्मल विद्यालय, 2016 शिशु मित्र अनि 2018 प्रशंसा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मानित भएको थियो। विद्यालयमा बङ्गला अनि हिन्दी दुवै माध्यममा पढाइ हुन्छ। वरिष्ठ शिक्षक सुसेन नाजिनारीले 2011 जब सुबोजित दत्त प्रधान अध्यापकका रूपमा नियुक्त पाएर विद्यालय आए, त्यसपछि विद्यालयको परिवेश नै परिवर्तन भएको बताए।
स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटा।